हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज हम सभी लोग भारत के भूगोल के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। चलिए आज के हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती हैं, मतलब बृहद हिमालय, लघु हिमालय, जो है इन सभी से होकर गुजरती है। ऑप्शन सतलज, रावी, चिनाब और ब्यास। तो इसका सही आंसर है तो सतलज है, ये हिमालय के सभी श्रेणियों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किनके श्वेत बिंदु लगभग एक ही हैं, मतलब दोनों नदियाँ जो हैं एक ही जगह से निकलती हैं, तापी और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंध, सिंध और गंगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र और सिंध, ये दोनों जो हैं लगभग राजस्थान के पास से निकलती हैं। नेक्स्ट, किशनगंगा एक सहायक नदी है, यह किस नदी की सहायक नदी है, चेनाब की, रावी की, झेलम की या ब्यास की। इसका सही आंसर है किशनगंगा जो है ये झेलम की सहायक नदी है। नेक्स्ट, सिंधु नदी का उद्गम है काराकोरम श्रृंखला से, हिमालय श्रृंखला में, हिंदुकुश श्रृंखला में, कैलाश श्रृंखला में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु जी है, सिंधु जो है वो कैलाश श्रृंखला से निकलती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, रावी, सतलज, चेनाब और ब्यास। इसका सही आंसर है चेनाब, चेनाब जो है वो भारत से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ़ कीजिएगा, इसका सही आंसर है सतलज। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सतलज और वो जो है राजस्थान के पास निकलती हैं, रावी, चेनाब और ब्यास ये सब क्या है भारत के ही उद्गम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय का पठार भाग है किसका भाग है, ये प्रायद्वीपीय खंड का, हिमालय श्रेणी का, पूर्वी घाट पर्वतों का या सतपुड़ा श्रेणी का। तो इसका सही आंसर है जो हिमालय का पठार है वो भी क्या है, प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है, दून, तराई, खादर या भाबर। इसका सही आंसर है हिमालय क्षेत्र में जो फैले समतल के मैदान हैं उनको भाबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा सर्वाधिक छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है, धनबाद सबसे ज़्यादा घना क्यों है, कोयला, लोहा, अभ्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना है यहाँ पर, उपजाऊ भूमि तथा दामोदर से निकाली गई नहरों की सुविधा, खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी, धनबाद में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं इसलिए इतना घना शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहार, बिहार जो है वो छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, जिसे छोटा नागपुर का पठार जो है वो बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये दोनों मैदान नहीं हैं, महाराष्ट्र जो है बिस्ट छाया वाला प्रदेश नहीं है, और आंध्र प्रदेश जो है मलनाड में है, तो मतलब बाकी वो सब नहीं है और ये सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नर्मदा तथा तापी नदियाँ द्वारा घिरे हैं, क्या घिरा है नर्मदा और तापी नदियों द्वारा, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, विंध्य पर्वत, राजमहल की पहाड़ियाँ, अरावली पर्वत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा तथा तापी जो है वो सतपुड़ा की पहाड़ियों द्वारा घिरे हैं। नेक्स्ट, भारत में निम्न राज्यों में कौन सा देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मतलब भारत के जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं, पठार हैं, मैदान हैं, ये सभी चीज़ें किस राज्य में पाई जाती हैं जो सब एक ही राज्य में उपलब्ध हों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित हैं, कहाँ अवस्थित हैं, महान हिमालय में,
ट्रांस हिमालय में, लघु हिमालय में, ब्रह्म वाह हिमालय में। इसका सही आंसर है धौलाधर और पीर पंजाल जो है वो लघु हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वत सबसे पुराना है? सबसे पुराना पर्वत नीलगिरी, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। इसका सही आंसर सभी को पता है, अरावली जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? अल्पास, रॉकी, हिमालय, एंडीज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंडीज जो है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी निम्नलिखित श्रेणियों के बीच अवस्थित है? रणज्योति तथा नागडिब्बा, धौलाधार तथा पीर पंजाल, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। इसका सही आंसर हो जाएगा धौलाधार तथा पीर पंजाल के बीच जो है कुल्लू घाटी स्थित है। नेक्स्ट, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट सैंडल पीक, माउंट दीवाल बोलो, माउंट कोयल। तो इसका सही आंसर है, सभी लोग जानते हैं सैंडल पीक जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट, दंडकारण्य प्रदेश नहीं है, मतलब दंडकारण्य जो जंगल है वो किस प्रदेश में नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है या उड़ीसा में नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा दंडकारण्य जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं फैला है, बाकी तीनों राज्यों में फैला हुआ है। नेक्स्ट, नंगा पर्वत अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, मेघालय में? इसका सही आंसर नंगा पर्वत जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? हरिश्चंद्र श्रेणी, बालाघाट श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांडव की पहाड़ियाँ जो है ये महाराष्ट्र में नहीं है, बाकी हरिश्चंद्र, बालाघाट तथा सतमाला जो है ये सब महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट, कौन एक कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? कौन सी पहाड़ी है जो इन तीनों राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? पालनी पहाड़ियाँ, अनायमली पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर नंदी पहाड़ियाँ हैं, ये कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु को जोड़ती हैं, उनके मिलन स्थल पर है। नेक्स्ट, कौन सी पर्वत श्रेणी जो है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? अछाम्बू पहाड़ियाँ, अनायमली पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और इलायची की पहाड़ियाँ। इसका सही आंसर है अनायमली पहाड़ियाँ। ध्यान रखिएगा पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट को कौन जोड़ती है? अनायमली तथा कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु को कौन जोड़ता है? नंदी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति शासन प्रणाली है? ऑप्शंस, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल। सभी लोग जानते हैं बांग्लादेश में क्या है, प्रधानमंत्री शासन करता है, राष्ट्रपति फॉर्मेलिटी जैसे हम लोग के यहाँ है, पाकिस्तान के भी यही सिस्टम है, नेपाल में राजा है और बाकी प्रधानमंत्री हैं, जबकि श्रीलंका में क्या है, राष्ट्रपति शासन होता है अमेरिका की तरह। नेक्स्ट, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? अनायमुड़ी, उत्कंडम, दोद्दाबेटा, महाबालेश्वर। इसका सही आंसर है भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। नेक्स्ट, कार्डमम पहाड़ियाँ मतलब जो इलायची की पहाड़ियाँ हैं जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे कौन से राज्य हैं? कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है कार्डमम की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं? कुल्लू घाटी किनके बीच स्थित है? रणज्योति तथा नागडिब्बा, धौलाधार तथा पीर पंजाल, लद्दाख तथा पीर पंजाल, मध्य हिमालय तथा शिवालिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल के बीच है, अभी हमने पीछे भी इसको पढ़ा था एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा शिखर कहाँ है? चीन में, नेपाल में, भारत में, भूटान में? भारत में, भूटान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा जो है ये भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अक्साई चीन का भाग है? शिवालिक श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, कश्मीर श्रेणी या लद्दाख का पठार? तो इसका सही आंसर है लद्दाख जो है ये
इस पे जो है कुछ भाग पर चीन का कब्जा है, जिसे मक्साई चीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है, तट से 6 समुद्री मील, तट से 3 समुद्री मील, तट से 12 समुद्री मील, तट से 24 समुद्री मील। इसका सही आंसर है, भारत का जो है जल क्षेत्र विस्तार तट से 12 समुद्री मील तक है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब म्यांमार से नहीं लगती है, नागालैंड की, असम की, अरुणाचल प्रदेश की या मिजोरम की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम जो है वो असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, ये अंदर बसा हुआ है। नेक्स्ट है, सारनाथ कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, केरल में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? सारनाथ को हम ऋषि पत्तन के नाम से भी जानते हैं, जहाँ महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है रामेश्वरम, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, पॉइंट कालीमेर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणतम बिंदु है, और मुख्य भूमिका अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ लाइन किन दो देशों का सीमा निर्धारण करती है, अमेरिका और कनाडा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, भारत पाकिस्तान, भारत और चीन? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ लाइन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, मतलब सबसे बीच में स्थित है, अवंती, रोहतक, उज्जैन या कुरुक्षेत्र? तो इसका सही आंसर है उज्जैन को जो है भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरंड लाइन किसके साथ भारत का सीमा निर्धारण करती है, डोरंड लाइन किसके किसके बीच में करती है? बर्मा मतलब म्यांमार, अफगानिस्तान और भारत, नेपाल और भारत, तिब्बत और भारत? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान के साथ हमारा, मतलब भारत के जो लाइन है उसको डोरंड लाइन कहते हैं, तथा पाकिस्तान से, मतलब पाकिस्तान जब भारत का पार्ट था तभी अफगानिस्तान पहले बना था, तो उस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? डोरंड लाइन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मालदीव के साथ भारत का समुद्री सीमा बनाता है, कोको चैनल, ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, उपयोग में से कोई नहीं? इसका सही आंसर है 8 डिग्री चैनल, मतलब जो 8 डिग्री अक्षांश है वो। नेक्स्ट, 9 डिग्री चैनल कहाँ कहाँ बसते थे, अमीनी द्वीप, कवरत्ती, कवरत्ती में निकोय, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और अंडमान निकोबार द्वीपों के बीच? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो 9 डिग्री चैनल है ये कवरत्ती और मिनिकोय के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, भारतीय मानक समय जो IST है हमारी, किस स्थान के समीप से लिया जाता है, लखनऊ, इलाहाबाद के नैनी से, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से? इसका सही आंसर है इलाहाबाद के नैनी से जो है हमारी भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट, 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, अंडमान को म्यांमार से, अंडमान को निकोबार से, भारत को श्रीलंका से, मरच्छद्वीप को मालदीप से? तो इसका सही आंसर है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, मतलब जो मानक समय रेखा हमारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट, भारत में कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में? तो इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा के उत्तर में। कर्क रेखा भारत के बीच से जाती है तो कन्याकुमारी तो उसके दक्षिण में हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, ठीक, कहाँ है ये? भूमध्य रेखा के उत्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्यवाद, ये सारे क्वेश्चन जो है PBS ईयर के लिए गए थे, उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे, धन्यवाद।